तब मैंने बड़ा सोच कर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम कश्मीर ऐसे कहा, ये सेंटिमेंटल नहीं था, ये मेलोड्रामेटिक नहीं था, इमोशनल जरूर था, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष का कश्मीर से संबंध इमोशनल है। जब से इतिहास शुरू हुआ तब से भारतवर्ष के लोगों ने और दुनिया ने हिंदुस्तान का जो चित्र देखा है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही देखा है। जो भी प्रवासी इस देश में आया वो कश्मीर की महत्ता के कारण कश्मीर भी गया, उसकी दृष्टि से वो भारत में आया था और उसी दृष्टि से भारत का जो भी यहां रहने वाला व्यक्ति है उसका कश्मीर से एक इमोशनल रिश्ता है, कि आप समझ लीजिए। एक दूसरा, जो भी एक समाज बनता है वो समाज जब राष्ट्र बनता है तब वो केवल समाज नहीं रहता है, उसका किसी भूमि से रिश्ता रहता है। विदाउट लैंड पीपल डोंट एग्जिस्ट। और इसलिए ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का समाज है, इसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भूमि से रिश्ता है, इस भूमि के को छोड़कर हम नहीं है। इसलिए हमारी दृष्टि से यह भूमि इस देश की अविभाज्य भूमि है, यह भूमि निगोशिएबल नहीं है। इसका यह जो रिमोशन आधार है यह आप समझ लीजिए। हम वन यूनिट है, झगड़े हैं, हमारा स्वभाव इस देश के लोगों का झगड़ालू है, इसलिए हर जगह झगड़े हैं। राज्यसभा में आज भी झगड़ा हुआ कि कर्नाटक अलग राज्य है, महाराष्ट्र अलग राज्य है, जो एक भूमि का भाग महाराष्ट्र में होना चाहिए वो कर्नाटक में है, इसलिए वहां के लोगों पर अन्याय हो रहा है, झगड़ा है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र में झगड़ा है, महाराष्ट्र में विदर्भ है, पश्चिम महाराष्ट्र है, विदर्भ वालों को लगता है कि पश्चिम महाराष्ट्र वाले हम पर अन्याय कर रहे हैं, यानी एक ही राज्य में एक ही भाषा बोलने वाले लेकिन एक क्षेत्र को लगता है हम पर अन्याय है, मतलब संपूर्ण एक यूनिट क्रॉस। रिलीजन अलग हो सकती है, बहुत है, एक ही है। तो उस अनुसंधान के आधार पर तय हुआ है कि तमिलनाडु में भी रेस हमारा है, कश्मीर में भी रेस हमारा है, हमारा खुद एक है, वी आर नॉट एथनिकली डिफरेंट, ये हमें समझने की जरूरत है। और ये इमोशनल अटैचमेंट और एकता जो मन में है उसका आग्रह केवल पॉलिटिकल स्टेट के कारण नहीं है, ये एकता जिसकी चर्चा आप लोग हमेशा कश्मीरियत के शब्द से करते हैं, उस कश्मीरियत की स्पिरिचुअलिज्म में हमारी एकता है। संपूर्ण इस देश का यदि कोई वर्णन है तो ये एक स्पिरिचुअल कंटेंट रखने वाला देश है, ये कुछ आदर्श रखने वाला देश है, मनुष्यों के संबंधों का एक भान रखने वाला देश है। और वैसे पूरा साउथ एशिया का सिविलाइजेशन अपना वो है, लेकिन वो एक अलग विषय होगा। हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक संबंधों के बारे में जो रेस्पॉन्सेस है वो एक है, हमारे यहां डिटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट है। बूढ़ों के बारे में श्रद्धा है, फैमिली के बारे में संबंध है, और इसलिए दुख ज्यादा है जब कोई मरता है, इसलिए ज्यादा है। वी आर नॉट मटीरियल, वी आर स्पिरिचुअल। एक दृष्टि से कहूं तो ये
ये जो संपूर्ण भारतवर्ष का मन है कश्मीर में, वो किसी लाभ के लिए नहीं, वहां से कुछ माइनिंग मटेरियल मिलने वाला है इसलिए नहीं, वहां से कुछ पैसा मिलने वाला है इसलिए तो बिल्कुल नहीं।